बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ शादी से मुअज़रत करने पर पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा बड़ी मुसीबत में फंस गई। अदाकारा ने सोशल मीडिया नेटवर्क इंस्टाग्राम पर बाबर आजम से शादी न करने का ऐलान किया था। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचा सकें। जी दोस्तों, पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा नाज़रीन जहांगीर एक नई मुसीबत में फंस गई। बाबर आजम के मदाहों की जानिब से अदाकारा की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। इंस्टाग्राम पर बाबर आजम से शादी के मुतलक नाज़रीन जहांगीर से सवाल पूछा गया था, जिस पर अदाकारा ने दो टोक जवाब देते हुए शादी से मना कर दी। जवाबन बाबर आजम के मदाहों की जानिब से अदाकारा को लगातार सोशल मीडिया पर तंग किया गया। नतीजतन अदाकारा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करते हुए इस बात की शिकायत की कि उनका क्रिकेटर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बाबर आजम के मदाह उन्हें लगातार तंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन कारकर्दगी का सिला बाबर आजम को मिल गया। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर करने पर पेशावर जलमी के ओनर जावेद अफरीदी ने बाबर आजम को पाकिस्तान में बनाए जाने वाली MG कार तोहफे में देने का ऐलान किया था। अब जावेद अफरीदी ने अपना वादा पूरा करते हुए बाबर आजम को कार की चाबी दे दी है। वाज़ह रहे कि बाबर आजम ने उम्दे बैटिंग का मुजाहरा करते हुए PSL में इस्लामाबाद के खिलाफ 63 गेंदों पर 111 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी।